नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 10 के जरिए। बिसाइड्स दिस वी हैव सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच यू कैन ऑल कनेक्ट विद अस। यू कैन इवन पार्टिसिपेट इन आर लाइव कॉन्वर्सेशंस बाय रेजिंग योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आर यूट्यूब चैनल दैट गोज बाय द नेम NCRT official. And viewers, for this half an hour, that is from 2 till 2:30 p.m., we have our program of social science for all class 10 students. The topic that we are going to discuss today is very important. It's all about Quit India movement. तो बच्चों, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, और अगर आपको फिल्में देखने का शौक है तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये एक ऐसा फ्रेज है, ये वो शब्द हैं जो आपने बहुत बार सुने होंगे और आपके जहन में भी आया होगा कि इसका क्या अर्थ है, इसका इस्तेमाल कब किया गया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके पीछे के क्या कारण रहे और क्या ये इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। तो आज इन्हीं सब सवालों पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी रोहिणी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं DESS NCERT नई दिल्ली में। और दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर एक्सपर्ट एंड यू आर लुकिंग फॉर द आंसर्स रिगार्डिंग द टॉपिक, देन हियर इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। इट इज 8800440559। Besides this, you can always reach out to us through the specific mail IDs for different classes and they are right there on your screens. तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हमारी आधिकारिक ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है dth.class10@cit.nic.in। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधा मैम आपसे पहला सवाल ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज हम ये विषय पढ़ रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अंतर्गत क्या क्या समझेंगे, सीखेंगे, इस फ्रेज का क्या मतलब है? जी जरूर। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है सिमरन। ये कांग्रेस द्वारा भारत की आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए चलाया गया एक अंतिम आंदोलन था गांधी जी का, जिसमें गांधी जी ने जनता को ये मंत्र दिया कि आप करो या मरो का मंत्र दिया जी। गांधी जी ने कि या आप भारत की आजादी के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करिए और ब्रिटिश शासन को समाप्त करके, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था गांधी जी का कि ब्रिटिश शासन को पूर्णतया समाप्त करके जनता द्वारा निर्वाचित एक सरकार की स्थापना हो, भारतीयों द्वारा स्थापित एक द्वारा चयनित सरकार की स्थापना हो जो कि विदेशी प्रभाव से बिल्कुल अछूता हो, मुक्त हो और अपने निर्णय स्वयं ले सके, ये संप्रभु और लोकतांत्रिक राज्य बने, ये उनका एम था। और अंतिम सांस तक लड़ने का, करो या मरो का, डू और डाई का उन्होंने ये मंत्र दिया जी। तो हमारे पास यहाँ पे पावर पॉइंट भी उपलब्ध है, हम अपने दर्शकों को पावर पॉइंट के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा। ये जो तस्वीर है इसमें भी दो व्यक्ति मौजूद हैं। हाँ, ये तस्वीर है कांग्रेस के वर्धा AICC के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वर्धा बैठक के, जहाँ पर गांधी जी और नेहरू जी इस आंदोलन को किस प्रकार से शुरू किया जाए, इसकी कार्य प्रणाली के लिए एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं कि जनता को क्या क्या बताया जाए कि उन्हें किस प्रकार से आंदोलन को आगे ले जाए, बढ़ाना है जी। दूसरा, आप नेशनलिज्म एंड भारत माँ, आप ये भारत माँ के दो डिपिक्शन देख पा रहे हैं जिसमें एक दाएं साइड के राइट हैंड की पिक्चर में वो आपको दिख रही है सन्यासिनी टाइप की, बिल्कुल ये हाथ में माला ली हुई है, शंख ली हुई है, दुर्बा ली हुई है, और दूसरे में देख रहे हैं कि दिख रही है कि अस्त्र शस्त्र के धासात धारण की हुई हैं। तो ये दो डिपिक्शन हैं भारत माँ की कि जो इनके अपने हैं उनको लिए जो, तो ये सन्यासिनी हैं किंतु जो बुरे लोग हैं जैसे विदेशी शासन, उसके लिए हमें इसी प्रकार से देवी माँ की तरह संघर्ष करना। तो ये दोनों ही तस्वीरों में हमें एक कंट्रास्टिंग डिपिक्शन जो है वो नजर आता है, अपने आप में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पर जारी हुए सारे डाक टिकट्स की है
फोटोज, और ये है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था ये, सेवन आइडल्स ऑफ सेवन मार्टर्स। तो मैम ये जो आइडल ऑफ सेवन मार्टियर्स है, ये जो पिक्चर भी हम देख रहे हैं, ये कौन से राज्य से थे, क्या बैकग्राउंड है इस मूवमेंट का, थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। जी जी, इसे शहीद स्मारक कहा जाता है और ये बिहार के पटना राज्य के पटना सचिवालय में ये मूर्ति बनाई गई है। ये सात लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये उस समय के पटना सचिवालय DM ऑफिस हुआ करता था, तो उस पे तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करने में इन सातों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए, उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड का प्रदर्शन करने के लिए इस प्रतिमा का की स्थापना की गई है पटना सचिवालय प्रांगण में। जी, अब मैं आपको थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट का तो एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया अंतिम आंदोलन था, और इसमें गांधी जी ने, जैसा मैंने बताया कि डू और डाई का उन्होंने नारा दिया। पहले तो सिविल डिसऑबिडियंस की बात की कही गांधी जी ने, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि आप विनय के साथ उनका प्रतिरोध करें उनकी गलत बातों का विदेशी शासन के। और उसके बाद इसका एम, जैसा मैंने बताया था, कि फाइट टू फिनिश द कॉलोनियल एम्पायर। रीजंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट में आए तो सबसे पहला तो रीज़न आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन पॉपुलेशन। एक्चुअली जब सितंबर 1939 में युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ सिमरन, तो जन तो ब्रिटिश सरकार ने बगैर भारत के किसी भी राजनीतिक दलों से, बगैर किसी डिस्कशन के, भारत को एक वॉर स्टेट या युद्धरत राज्य घोषित कर दिया, कि भारत की इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड वर्ल्ड विदाउट एनी कॉन्सेंट, विदाउट एनी कॉन्सेंट, विदाउट नो दैट टाइम तो गवर्नमेंट ब्रिटिश वॉज की थी एक्चुअली। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किस हिंदू महासभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, किसी से डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये बात जनता को बहुत चुभी, कांग्रेस के लोगों को बहुत चुभी। तब भी इसका कांग्रेस का रवैया ये था कि सपोर्ट किया जाए ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वाय, ये बहुत क्वेश्चंस रेज होता है कि क्यों इनिशियली सपोर्ट कर रहे थे। इनिशियली इसीलिए कांग्रेस के नेता ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट फासिस्ट पावर्स, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और US के टक्कर में नाजी जर्मनी थे, मुसोलिनी थे और जापान था। यहाँ मैम आपने जो फासिज्म जो है, इस शब्द का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा इस पर भी दृष्टि डालिए कि ये क्या है, क्या कोई आइडियोलॉजी है ये? हाँ, मैंने अपने नाजीवाद के इसमें प्रेजेंटेशन में क्लास 9 के मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फासीवाद क्या होता है। ये एक तरह का पॉलिटिकल थॉट है जिसमें कि एक व्यक्ति या एक राजनीतिक दल की ही जो इच्छा होती है, उसका जो दिमाग होता है, उसकी सोच होती है, उसे माना जाता है कि वो देश के लिए सबसे सबसे सही डिसीजन है, और सब जो वो व्यक्ति जो भी डिसीजन लेगा या वो दल जो भी डिसीजन लेंगे, वो देश के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। अच्छा, उसी को ही मानना जो है वो जरूरी है, फासीवाद। इसमें जनता से कुछ भी नहीं पूछा जाता, जनता की कोई ताकत ही नहीं, कोई जनता को कुछ भी नहीं समझा जाता। ऐसा ही आप आज के डेट में नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, इसी टाइप का शासन, कि जनता से कुछ पूछा नहीं जाता इस शासन। कम्प्लीटली ऑपोजिट टू डेमोक्रेसी, कम्प्लीटली ऑपोजिट टू डेमोक्रेसी। तो फासीवादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कांग्रेस के लोग कि हम डिस्टर्ब करेंगे तो, या लोगों को बोलेंगे कि आप मत ज्वाइन कीजिए ब्रिटिश आर्मी और विड्रॉ कर लीजिए, तो इससे कहीं ना कहीं इनका संघर्ष कमजोर पड़ेगा। तो पहले पहल तो इस वजह से कांग्रेस ने सपोर्ट किया, लेकिन जब बाद में कांग्रेस ने देखा कि इसके बावजूद, सारे सपोर्ट्स के बावजूद, ब्रिटिशर्स दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया उन्हें मनी देगा, रिसोर्सेज देगा, आर्मी देगा, और सब कुछ देने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने अपने आप को सख्त कानूनों से
ऑप्रेसिव कानूनों से लैस किया और फिर उसके बाद जनता को दमन करने लगे। इस रीजन से कांग्रेस नेता ने निर्णय लिया कि हमें एक आंदोलन करना है जिसमें कि ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने का पर मजबूर करना पर मजबूर किया जाएगा। इसी पड़ाव में ब्रिटिशर्स की जो हमारे प्रति रवैया था और नेगेटिव रवैया था, इसी में एक पड़ाव आता है क्रिप्स मिशन। सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में 1942 में एक मिशन भेजा जाता है ताकि भारत के लोग जो इतने गुस्सा हो रहे हैं या भारत को जो भी असंतोष है या जो भी उनकी राजनीतिक इच्छाएं हैं उस पे बात किया जा सके। और क्रिप्स मिशन को ये दिया गया था कि और हल निकाला जाए भारत की समस्याओं का, जो उस समय कम्युनल प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो क्रिप्स मिशन आया, उसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बहुत सारे राजनीतिक दलों को बैठा के बात की और उसके बाद जो उसने अपना प्रस्ताव दिया उसमें उसने ये प्रस्ताव दिया कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का मैं मतलब समझाना चाहूँगी कि आप ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं, आप कुछ मामलों में अपना शासन कर सकते हैं जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन वाइडली जो है वो अंडर रहिएगा आप ग्रेट ब्रिटेन के, यानी व्यापक रूप से जो है वो ब्रिटिशर्स का ही शासन रहेगा, ब्रिटिश का शासन नहीं समाप्त होगा, बस थोड़े अधिकार मिल जाएंगे, थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी भारतीयों को उनके अंडर काम करने की। और डोमिनियन स्टेटस में जनरली होता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार तंत्र, ये सब ब्रिटिशर्स के, यानी जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं, कोर एरिया जो है वो अंडर रहेगा ब्रिटिश का, कानून निर्माण ये सब ब्रिटिश के अंडर रहेगा। तो ये मांग तो 1900 के दशक में की जाती थी, तो और उस समय से राष्ट्रवाद काफ़ी आगे बढ़ चुका था हमारा नेशनलिज्म, तो ये तो एकदम सिरे से इनकार नकारना हुआ जनता की फीलिंग्स को, कांग्रेस की भी फीलिंग को। फिर उसके बाद सेकंड जो कांग्रेस को सबसे आपत्ति हुई और मुस्लिम लीग को भी इस बात से आपत्ति हुई कि संविधान सभा के निर्माण की उसमें बात कही गई और कहा गया कि हम संविधान बनाएंगे और यदि किसी को, किसी भी राज्य को संविधान नहीं पसंद आता है तो वो अलग से ब्रिटिशर्स से समझौता करने के लिए इंटाइटल्ड है। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि सरकार पाकिस्तान की मांग को इनडायरेक्टली स्वीकार कर रही है या बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इसी तरह से तो फिर तो कई सारे देसी राज्य थे, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जैसा हमने जो अपनी अलग अलग मांग जो अपने मांग रख सकते थे, तो लगा कि वो भारत को टुकड़ों में बांट देना चाहती है ब्रिटिश सरकार। इसी वजह से कांग्रेस ने इस चीज से इनकार किया और जिन्ना ने भी इस बात से इनकार किया, क्योंकि वो पाकिस्तान से नीचे किसी भी चीज पे एग्री नहीं हो रहे थे, होना चाहते थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अपने कारणों से इसको, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स मिशन का रिजेक्शन ही जो एक तात्कालिक कारण माना जाता है, इमीडिएट कॉज माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, क्योंकि उसके बाद गांधी जी को लगा कि भारत की समस्याओं के लिए उत्तरदायी, मतलब उतना सेंसिटिव नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और मैम यहाँ पे आपने भारत की समस्याओं की भी बात की, तो ऐसे में क्या जब हम भारत की इकोनॉमी की उस समय बात करते हैं तो क्या कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी रहे, अर्थव्यवस्था में भी कुछ समस्या देखने को मिली? हाँ, भारत का तो इकोनॉमिक शोषण ही करने ब्रिटिशर्स आए थे, वो वाइट मैन्स बर्डन वाली थ्योरी तो बस एक अच्छा आवरण चढ़ाने के, कॉलोनिज्म को एक अच्छा आवरण चढ़ाने के लिए, अच्छे अक्षरों में कहने के लिए कहने की बात थी, अदरवाइज वो मेनली जो वो आए थे तो वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के लिए ही आए थे। यहाँ जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से सारे रिसोर्सेज बाहर भेजे जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ से अनाज भी उठा उठा के बाहर भेजा जाने लगा, जिससे कि अनाज की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई। जी, बिहार के राज्यपाल का, गवर्नर का ये स्टेटमेंट है कि मार्केट में अभी अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग जमाखोरी करने लगे हैं, एकदम बचा बचा के रखने लगे हैं, क्योंकि उनको उनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि निकट भविष्य में जिस तेजी से भेजा जा रहा है
उस तेजी से तो हमें अनाज कम पड़ जाएगा, जिससे कि अनाज की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई, और जब अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई तो बाकी भी जो सारे गुड्स थे उसके भी कीमतों में वृद्धि हुई जी। इससे भी जनता में असंतोष व्याप्त हुआ। और उस और सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि जापान हाँ करीब था इंडिया से, तो सारे जल परिवहन के जितने भी शिप्स वगैरह थे, नाव वगैरह थे, वो जब्त कर ली थी, जितने भी नहर थे उनका पानी बहा दिया था कि कहीं जापानीज उस नहर का यूज़ करके, उन शिप्स का यूज़ करके इंडिया बिना आ जाए। तो नहर का पानी तो बहा दिया गया, किंतु ये नहीं सोचा गया कि खेतों में कहाँ से पानी की सिंचाई होगी। तो इसीलिए आप देखिएगा कि इन्हीं कारण से 1943 का बिहार बंगाल उड़ीसा को का अकाल आया, जिसमें कि 50 लाख, ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों ने अपने जान से हाथ धोए। तो यही रीजन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था ये, और ब्रिटिशर्स की गलत नीति का, कि एक तो रेकलेसली उन्होंने अनाज का इम्पोर्ट करते रहे, और दूसरा जल परिवहन को और नहरों को उन्होंने पूरी तरह से जब्त कर लिया, सुखा दिया। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स की एक और कमी रही कि जहाँ भी ब्रिटिशर्स की हार हो रही थी जापानीज के हाथों, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में जावा, मलाया, सुमात्रा में और सिंगापुर में, रंगून में, वो भारतीयों को और स्थानीय आबादी को छोड़ करके बिल्कुल वो शेमलेसली भाग रहे थे, और गोरी बस्तियों को तुरंत खाली करवा लिया गया था, और जहाँ वहाँ पे इंडियन बेस था या इंडियंस थे उनको उन्हीं हालत में छोड़ दिया, मतलब दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर। नॉट दे वर नॉट डिस्प्लेस्ड, ब्रिटिशर्स अपनी जान बचा ले रहे थे भाग के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस को रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, उन्हें उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। और तब वो उस केओस तब ज्यादा फैला जब कैलकटा पर जापानीज हमला करने लगे, बम बरसा जाने। उस समय यू डोंट बिलीव सिर्फ हाँ 2-3 महीनों में 1 लाख कलकत्ता में 1 लाख लोग छोड़ करके बिहार और यूपी आ गए जान बचाने के लिए, इतने बुरी तरीके से बम बम गिराए जा रहे थे, और उनको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं था। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी उसने बिल्कुल भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम लोकल पॉपुलेशन को नहीं बचा, यानी इतने लार्ज स्केल पर लोगों ने माइग्रेट किया। इतने लार्ज स्केल पे माइग्रेट किया लोगों ने, इस वजह से जनता में असंतोष फैला, और उस असंतोष को एक कहते एक दिशा देने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। अब आप दूसरा आ जाइए, इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स। तो आप देखिए पहले स्लाइड में ही आपने देखा गांधी जी और नेहरू को, कि वो लोग भी चाहते थे कि अब जनता, गांधी जी का एक बहुत ही फेमस भाषण है कि मैं ब्रिटिशों से आग्रह करता हूँ कि वो भारत को छोड़ दे, और जो स्थिति है अराजकता की स्थिति में ही छोड़ दे, लेकिन जाए यहाँ से, अब उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद रिप्रेशन और सप्रेशन, रिप्रेशन और सप्रेशन, जैसा मैंने आपको सारे ही बातें बताई कि उन्हें ऐसा ब्रिटिशर्स ने कर दिया था कि जैसे लग रहा था उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है भारतीयों को, केवल ब्रिटिशर्स को ही जीवन जीवित रहने का अधिकार है, उन्हें सप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, और उन्हें उनके हाल पे छोड़ के भाग गए जी। तो ये बात चारों तरफ फैली कि ब्रिटिशर्स ऐसा कर रहे थे, जापानीज अटैक पे जनता को बिल्कुल अपने उनके ही भरोसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इंस्पिरेशन ऑफ ग्लोबल इवेंट्स में वही आ जाएगा, यूथ एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। उस समय की जनता भी स्पेशली यूथ्स चाहती थी कि इस समय ब्रिटिशर सबसे कमजोर स्थिति में है हमारा दुश्मन, तो हम इसी समय उस पर वार करें ताकि हम ताकि वो हम उसे घुटने टेकने पे मजबूर कर सके, अदरवाइज युद्ध के ख़त्म होने के बाद तो ब्रिटिशर्स की ताकत फिर से वो रिकवर कर लेते, वो ताकत बढ़ जाती। इसी वजह से युवा वर्ग और स्टूडेंट वर्ग चाहते थे, और इसी रीज़न से
आप उधर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आर्मी बना करके उनका एक अलग अपना तैयारी विचारधारा थी, अपना अलग सेटअप था फॉर रिटेलिएशन, लेकिन उन्होंने भी यूथ्स को साथ, बेसिकली यूथ्स को आर्मी को साथ लेकर के उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। तो मैम ये जो बहुत सारी हम मूवमेंट्स देखते हैं खासतौर पर क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें मुख्यतः नाम आता है हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी उनका, तो इसमें गांधी जी की क्या फिलॉसफी रही कि किस तरह की मान्यता जो है वो फॉलो करते थे जो इससे जुड़ी हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि पहले गांधीयन फिलॉसफी में था कि आपको अहिंसा का सहारा नहीं लेना है। इसी वजह से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब देवरिया में चौरा चौरी कांड हुआ जिसमें 21 पुलिस ऑफिशियल्स को थाने में बंद करके जला दिया गया था, तो उसके इस हिंसा के बाद उन्होंने अपना मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। लेकिन इस बार की किसी भी हिंसा पे गांधी जी उतना कुछ रिएक्ट नहीं बोला, और तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए हिंसा का की प्रतिक्रिया थी, तो हर क्रिया की अपनी प्रतिक्रिया होती है। तो इसका रीजन ये था कि गांधी जी एक कहते ना, उनके विचारधारा में भी आपको स्टेजेस नजर आएंगे, तो वो चाहते थे उस समय, जबकि 1920 में कांग्रेस उतना ज्यादा मजबूत नहीं थी, हाँ, या कह सके कि हिंसा संभालने के लायक नहीं थी, तो उन्होंने एक अहिंसा का मार्ग अपनाया। किंतु जब उन्हें लगा कि नहीं, अब जनता पूर्णतः तैयार है, जनता घुटने नहीं टेकेगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके इन हिंसाओं के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह सरकार की दी की गई हिंसा की ही प्रतिक्रिया हो रही है। जब भी हम आज तक हम ये बात पढ़ते आए हैं कि गांधी जी जो हैं उन्होंने अहिंसा का या फिर सत्य का मार्ग प्रशस्त किया, सत्य का मार्ग, लेकिन अपने आप जैसे विचारधारा में परिवर्तन बहुत जरूरी है समय के साथ। और मैम उस समय क्या और भी देश में आंदोलन चल रहे थे? जैसे मैंने बताया आपको आजाद हिंद फौज के बारे में, जी हाँ, वो हाँ आंदोलन तो नहीं, वो एक कहते हैं ना, एक सशस्त्र क्रांति का एक एक पहलू, हाँ, एक पहलू था। यद्यपि क्रांतिकारी तो खत्म ही हो चुके थे, स्पेशली चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद, किंतु सशस्त्र विद्रोह करने का एक प्रयास किया सुभाष चंद्र बोस ने। और इस आंदोलन के विषय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कहना था, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, कि ये 1857 की क्रांति के बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स को मिलने वाली सबसे टफ चुनौती थी। तो जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की, तो सबसे पहले 1857 में इसकी शुरुआत हुई। 1857, हाँ, इवन 1857 से पहले भी, पहले, लेकिन इतना समय निकल गया। जैसे कि आपने बताया कि 1942 में जो था वो एक आखिरी मूवमेंट थी, लेकिन व्हेन वी एक्चुअली कम टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, इट वाज इन 1947। इट वाज 1947। अगेन इट टुक अस सो मेनी इयर्स टू रीच देयर, टू रीच देयर। और मैम इसी विषय में अभी आपने शुरुआत में बताया था गांधी जी का जो नारा था डू और डाई, करो या मरो, ये कहाँ से आया था ये भावना, और इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए इस नारे के बारे में। ये गांधी जी के ही विचारधारा का जो एक कहते इवोल्यूशन हुआ उससे ही जुड़ा हुआ है, करो या मरो, कि वो किसी भी प्रकार के हिंसा के विरुद्ध थे। इनफैक्ट अपने प्रति की गई किसी हिंसा, पशुओं के प्रति भी की गई हिंसा के विरुद्ध थे वो। दूसरों के प्रति की गई हिंसा तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो पहले तो वो इस टाइप की बातें हाँ कभी भी समर्थन नहीं करते थे, लेकिन इस आंदोलन में ब्रिटिश दमन की वो इंतहा हो गई कि उन्होंने कहा कि करो या मरो, या तो आप ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कार्य कीजिए और तब तक कीजिए, या फिर आप मृत्यु का मार्ग चुनिए, लेकिन अब शिथिल होके बैठने का समय नहीं है। मैम एक अहम सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे, लोकल पॉपुलेशन जो थी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि हम जानते हैं कितने उस तरह समय रेवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारी जो थे वो देश में थे, अपने अपने स्तर पे हर कोई कोशिश कर रहा था कि भारत को स्वतंत्रता मिले, ऐसे में लोकल पॉपुलेशन क्या सब लोग इसी में एक्टिवली एंगेज थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत इंगेज थे लोकल पॉपुलेशन ने, जैसे ही एक्चुअली जैसे ही 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से अपना ये फेमस करो या मरो का नारा दिया,
और अगली सुबह 9 अगस्त को सभी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, कुछ को तो नजरबंद कर दिया गया कि जनता को पता ही नहीं था कि उनके लीडर के साथ हुआ क्या है जी। तो जनता बिल्कुल कहते उद्वेलित हो गई और उसने उसे जो समझ में आया जिस प्रकार समझ में आया क्योंकि गांधी जी बता नहीं पाए थे कि आंदोलन का क्या क्या चरण होना है या क्या क्या कार्य प्रणाली हमें अपनानी है। तो गांधी जी के अरेस्ट हुआ जो जनता को जो भी समझ में आया पहले के आंदोलनों से प्रेरणा लेकर या उन्हें जो भी समझ में आया उन्होंने किया, जैसे कि पुलिस स्टेशंस को जला देना, पोस्ट ऑफिस को जला देना या रेलवे ट्रैक उखाड़ देना, अलग अलग धाराएं लागू कर देना। नहीं, धाराएं तो ब्रिटिश लागू करेंगे लेकिन जनता की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ वो ये हुआ कि सचिवालय को ढहा देना या आग लगा देना, इस टाइप का रिटेलिएशन हुआ। और आप पूछ रही थी लोकल इन्वॉल्वमेंट, इस पूरे आंदोलन में 60,000 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से 28,000 कन्विक्टेड हुए और उसमें से भी 28,000 में से 16,000 पे तो भारतीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए जी। जैसे आजकल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसी उस समय भारतीय सुरक्षा कानून था उसके तहत मुकदमे दर्ज किए गए। तो जनता का भी रिटेलिएशन इतना बड़ा था, इसके बदले में ब्रिटिशर्स का सप्रेशन भी उतना ही भयानक था कि ब्रिटिशर्स ने हवाई जहाज से फायरिंग की, पूरे गांव जला दिए गए, लोगों को रेंगने पे मजबूर करना, अरेस्ट करना, जेल में टॉर्चर करना, ये सब एक आम बात थी। शायद दमन की वजह से ही आप देखेंगे कि इस आंदोलन को धीरे धीरे मैच्योर होते हुए धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। बिल्कुल, और तभी तो हम आज तक ये कहते हैं कि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। बहुत से हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी और हमारे बारे में सोच के कि आने वाली जो जनरेशन हैं, जो हम हैं, कि वो आज़ादी से, स्वतंत्रता से, चाहे विचारों की आज़ादी हो, चाहे कहीं आने जाने की आज़ादी हो, चाहे फाइनेंशियल आज़ादी हो, तभी मुझे लगता है उन्हीं की वजह से आज हम आराम से बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक विषय पर मैं चाहती हूँ कि आप केवल चंद शब्दों में थोड़ी सी और रोशनी डालिए। क्या इन सभी मूवमेंट्स में महिलाओं का भी रोल था? क्या महिलाओं की भी कोई भूमिका देखने को मिलती थी उस समय? हाँ, महिलाओं का भी, क्योंकि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और शराब की दुकानों के सामने धरना देना, इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत थी। सिर्फ बिहार के स्टेट में ही देखेंगे तो आप राजेंद्र प्रसाद की बहनों को देख लीजिए, प्रभावती देवी, राजसुंदरी देवी, हाँ, इन लोगों ने अपने अपने स्तर पे इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, यानी सभी का एक अहम योगदान रहा, चाहे लोकल पॉपुलेशन की बात करें, चाहे हम उस समय के लीडर्स की बात करें, whether we talk about the males or the females, even the housewives, so they tried their best. मैम बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा को वैसे हम आगे बढ़ाते पर समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। बहुत ही बेहतरीन सत्र रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सिमरन। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे सोशल साइंस के इस सत्र में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आपकी किताब से जुड़ी हुई बात नहीं है बल्कि कहानियों के माध्यम से जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो बेहतर ढंग से इसे समझ भी पाते हैं और इससे मिली हुई सीख को अपने जीवन में भी उतार पाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को हमें यहीं समाप्त करना होगा, कुछ ही क्षणों में वापस हाजिर होंगे गणित का सत्र लेकर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्फेस एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में। तो आप सभी बने रहिए चैनल्स के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।